तो छोटी है ना हाइट में। बड़ी खुशी हो रही है डॉगी का खाना खा के। इन्होंने दूर से देख के पहचान लिया फूडी भी। गुड मॉर्निंग ओएमजी फैमिली। सो गाइस सुबह उठते मैं ले रही हूँ अपनी रेड टी और आज है गणतंत्र दिवस तो डैडी जी सेलिब्रेट कर रहे हैं टीवी देखते हुए। और आज एक और चीज है ओकार ओकार। आज पता है क्या है? आज है बसंत पंचमी। अच्छा। और बसंत पंचमी वाले दिन पता है क्या हुआ था? मैंने तुझे पंच मारा था। बी वेडिंग एनिवर्सरी। देखा मेरी एनिवर्सरी हो गई। थैंक यू। याद आया? उठ जाओ कर। कॉफी रेट्टी तो नहीं लोगे? नहीं। अरे यार कॉफी बनाने में थोड़ा दूध उबालना पड़ेगा, एफर्ट थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। चलो फटाफट ओंकार जी के लिए बनाते हैं गर्मा गर्म कॉफी। और आज जेन के लिए बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज है उसका फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, तो गगन जी उसके साथ गए हुए हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए वो पूरा कैसा दिखने वाला है। मतलब आज शायद उसने भगत सिंह वाली लुक ली है। Meanwhile. जो बलून लिखे हो बलून से थैंक यू। देखो कुकीज से थैंक यू से बाय बाय से बाय बाय। तो फाइनली ज़ेन अपने फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन से वापस आ चुका है। मुझे कैसे लालच देते छोटे से बच्चे को। कल भी दिख लाई मैंने, तू तो हमेशा बाहर रहती है मम्मा गंदे। दीदी मैं ना इमेजिन कर पा रही हूँ अब ओंकार ओंकार में मेरी पति की बात पे लड़ाई हुआ करेगी। धक्के मार रहा है कहते गो हो। आजा तू जेन आजा अब तो खाएंगे। सबसे ज्यादा फेवरेट कौन, सबसे अच्छा कौन है? नहीं चॉकलेट की मामू नहीं खाना नहीं। ये दो नानू को पापा को दो वो बना के देंगे टॉय। जाओ पापा को देके आओ। चलो टॉय से खुश है। ओनली वन बाइट जेन स्मॉल स्मॉल वन स्मॉल बाइट जो तेरा साइज है उतना ठीक है। चलो बस ऐसे हाँ। ज्यादा नहीं खाना वो उसने पूरे उंकार बस ये होगी बस डन। थैंक यू। अब ये मत सोचते कि हम अपनी एनिवर्सरी वाले दिन कुछ स्पेशल कर रहे हैं। हेलो बोलो। आज हमारी कोई एनिवर्सरी नहीं है, ऑफिशियल एनिवर्सरी एनिवर्सरी वाले दिन ही होगी। अच्छा वो ही डेट। ऐसा मत सोच कि आज भी तुझे गिफ्ट मिलेगा एनिवर्सरी। नहीं मैंने ये कहीं कहावत सुनी है उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ। और उम्मीद पे पत्नी भी कायम है। आज ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हम टाइम पे स्टूडियो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि जिस भी जगह से हम जिस भी सड़क से जा रहे हैं सारी की सारी सड़कें बंद है। आज ना कोई प्रोटेस्ट चल रहा है जिसकी वजह से रोडे बंद करी हुई है। सारी रोडे बंद तो है। आज हम कोई अलग सा अलग रास्ते से एक्सप्लोर कर रहे हैं। अरे नहीं कि आप आज कोई काम मत करो जस्ट रिलैक्स चिल। हम कर नहीं सकते कुछ स्पेशल आने वाला जिसकी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी फूडी वीक और मुक्ति गौतम की जो वीडियोस है पहले से बना के अपलोड करके उसे शेड्यूल करके जाए हो जाए बस आज फूडी वीक वीडियो हो जाए नहीं तो फिर दिमाग में भी टेंशन रहेगी। भाई साहब कूड़े का ढेर लगा हुआ और ये सिर्फ इधर नहीं काफी जगह में काफी थोड़ी देर के बाद ऐसा स्पॉट आ रहा है एकदम कूड़ों के ढेर। अच्छा नहीं लग रहा ना। मतलब एक ही जगह होनी चाहिए जहाँ पे इतना ज्यादा कूड़ा फेंको जगह 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 नहीं अच्छा लगता। वैसे ना स्वच्छ भारत के बाद काफी जगहों में काफी स्टेट्स में ना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब पहले ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन थी तो चंडीगढ़ में कभी कॉमन नहीं थी क्योंकि चंडीगढ़ में प्रॉपर कूड़े वाला आएगा आपका सामान मतलब कूड़ा वगैरह लेके जाएगा। बट आउटस्कर्ट्स में आउटस्कर्ट्स में तो काफी जगहों पे अभी भी प्रॉब्लम है। बट चलो अब क्या कर सकता है। आई होप कि फ्यूचर में इस चीज को लेके और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो। 2000 years later. आज का हमारा सारा दिन निकल जाएगा ट्रैफिक में क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक के बाहर पहुंचे थे हम स्टूडियो और अब आदित्य ने हमें अपनी गाड़ी में शरण दी है और हम बना रहे हैं जी एज यूजुअल
फूडी वी की वीडियो। नहीं ट्रैफिक तो अलग बात है, मौसम इतना गंदा है। अच्छा सुबह 9 बजे भी अच्छा है मौसम। अच्छा क्या इसमें? मुझे अच्छा लग रहा है। 9 बजे भी ऐसे ही था। हा? सुबह के 12 बजे भी ऐसे ही था। ये गिरगिट थोड़ी है जो बदलता रहेगा, ये मौसम है। मौसम ही बदलता है सबसे ज्यादा, गिरगिट बदलता। शाम के 4 हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है सुबह के 8 बजे। आधी वैसे सच्ची बोलूं तो मुच्छड़ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है अंकल बैठा है कोई। सच्ची में तो बात की बात है, मैं बहुत 26 साल का हो गया, क्या चाहते हो तुम? अंकल लग रहा है क्या? बेइज्जती करने के लिए तुमने व्लॉग बनाने लगे मेरे? आदि तेरा छोटा भाई नहीं बड़ा भाई लग रहा है अब। मैं पहले ही बड़ा भाई लगता था, हमेशा सब ये बोलते थे मुक्ति छोटी लगती। वो तू छोटी है ना हाइट में? नहीं नहीं, एक बार ना हम टैगोंडो की हमारी प्रैक्टिस चल रही थी यार, मैं ना जॉय बारे सोचता हूँ कि एक ना अलग से व्लॉग बनाया जाए, स्टोरी टाइम पे दे देते हो। कहानियां सुनाने में तो इतना शेर है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से कहानी निकाल के लेके आते। एक अंकल आए, वो उन्होंने नया नया ज्वाइन किया था, वो हमें हेलो हेलो, वो भी ऐसे ही दिख रहे थे अंकल। नहीं नहीं नहीं, अच्छा थोड़े बड़े लग रहे थे। तो उन्होंने पहले मेरे से बेटा बेटा आप कहाँ जॉब करते हो? अच्छा मैं उस टाइम 11th क्लास में था। फिर वो मुक्ति की तरफ बोले मुड़े और कहते बेटा आप कौन से स्कूल में हो? और ये कॉलेज में थे? ये कॉलेज में थे। हाँ ये जॉब वॉब कर रही थी। तू कौन सी जॉब कर रही थी? जोटी कॉलेज में थी। और मैंने कहा अंकल मैं स्कूल में हूँ, ये कॉलेज में है। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, कह रहे मजाक कर रहे हैं। अब तो विश्वास, अब भी नहीं होगा विश्वास, तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो मैं ये बोल रहा था ये वाला जो मौसम है ना, ये घर पे बैठ के मूवी देखने वाला है। टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ, बीच में क्या आया, वापस मुद्दे पे है, मौसम जो है घर पे चिल करने वाला है। हाँ ये तो इसी आलस की वजह से मुक्ति मैम हमें स्टारबक्स में पार्टी दे रही है, और तो हम कॉफी पियेंगे तीनों बैठ के। भाई साहब इतना ज्यादा रश, ये सारा रिपब्लिक डे की वजह से है। रिपब्लिक डे की छुट्टी है ना, तो मोस्टली सारे लोग फैमिलीज के साथ आए हुए हैं, बाहर पार्टी वार्टी चल रही है, छुट्टी चल रहे हैं। भाई साहब हमारी छुट्टी कब होती है? मुझे ना बड़ा वियर्ड लगता है जब हम खुद गाड़ी में बैठ के बोल रहे होते कितना ज्यादा गाड़ियों का रश है ना। यार पार्ट ऑफ इट, बट स्टिल हम उस चीज को कैसे वो करते हैं, रश है कितना। हमारी तो गलती है ही नहीं रश में, जैसे रश है। इतना ज्यादा रश था ना कि हमें पार्किंग की जगह मिली नहीं, कॉफी का प्लान हो चुका है कैंसिल। उमर कॉफी का उल्टा जाम में फंस गए, वापसी जाते हुए जाम में। देखो ओंकार की हरकतें, यहाँ फूडी वी की वीडियो बन रही थी और इसने रिक्शा मार ली किसी की। रिक्शा नहीं है, साइकिल है। भैया ले जाओ, ये चोरी करके ले जाएगा। कहते कोई बात नहीं, फोटो खींचो, इंस्टाग्राम पे डालोगे। बैग मारो जैसे पता नहीं कौन सी जैगुआर गड्डी के साथ फोटो खिंचा रहा। देखो पर ये अब तुमने बोला तो इंस्टाग्राम पे डालना जरूर, चाहे जैसी मर्जी आई है। ठीक है पक्का? ठीक। हमने भी फूडी वी का शूट कर रहे थे और इधर देखो कहाँ कहाँ से आ रहे हो। हेलो, इन्होंने दूर से देख के पहचान लिया फूडी वी। हेलो देख दो व्लॉग, देखो उन व्लॉग च आ गए तुसी। ठीक है उर्वी ने तुसी दवा टप टप के आ रहे हो। एक तो आदित्य ने पता नहीं कैसी आवाज निकाली, सारे कुत्ते इसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं। क्या कर रहा है? वॉश में कर रहा है इसको। एक बार बैठ के दिखाई कैसे सिर पे चढ़ रहे थे तेरे। चलो घूमी घूमी चले, निकाली होती फिर से मेरे ऊपर ही चढ़े हुए। तो गाइस इतना ज्यादा मन कर रहा है ना, पैसे क्या बचाती है तुम्हारी बीवी, मतलब बीजी की भी हद होती है। नींबू पानी पीना था मुक्ति ने, ये नहीं कि बैठ के पी ले, इसे डिब्बू खरीदे और तो और नमक खरीदा, चाकू ना खरीदना पड़े तो ये बाहर पड़ा था चाकू, उसी से काट रही है। इससे अच्छा तो बाहर पी लेते सस्ता पड़ता। ये पूरा नींबू पानी अपने हिसाब से बनाएगी। की वीडियो शूट करते करते हो चुकी है रात और अब हम पहुंच चुके हैं घर। और सच्ची बताऊं डिनर करने का तो कोई वैसे सवाल ही नहीं है। नहीं है बिल्कुल भी नहीं है, आज नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि हम वीडियो बनाने के बाद भी बोलते हैं कि भूख लगी हुई है, आज नहीं, मतलब समझ जो कि वीडियो पे कितना खाया होगा। गेस करो कौन सी वीडियो। पिज्जा खाओगे आज जी? ये पिज्जा लवर है। तो गाइस फटाफट करते हैं अपने कमरे की बेडशीट चेंज, क्योंकि काफी टाइम हो चुका बेडशीट चेंज किए को। अभी ओंकार रंधावा जी ना थोड़ी देर के लिए गायब हो गए थे, तो मैंने जब फोन किया तो ये भी मैं गेड़ी पे हूँ, मैंने कहा अकेले अकेले गेड़ी मार रहा था, परंतु नहीं ये स्पेशल मेरे लिए कुछ लेने मैं नहीं लाया हूँ, ये खुद लाई है, झूठ बोल रही है आपको। किसी शर्मा रहे हैं? मैं नहीं लाया, मैं लाया हूँ। क्या लेके आए बाबू? वाह कुछ बुडलवा के लाया। मैंने कहा छोटी एनिवर्सरी है, जो तुम निक बेकर्स का लाया कुछ ना कुछ मीठा होगा। एक्चुअली मैं ना गया था, मैंने सोचा मुक्ति को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, इसको पसंद है मीठा, तो मीठे में और छोटा इसलिए लेके आया क्योंकि इसको पता मैं चिल्लाऊंगी इतना मीठा इतना ये वो। थैंक यू सो मच। खोलो ऑलरेडी मैं छोटा सा केक लेके आया हूँ, मुक्ति उसके भी टोटे टोटे कर रही है। देखो
पापा उतार रहे छोटी यूनिवर्सिटी का छोटा केक। अगर सारा काम मिनी में हो रहा है, मिनी में हो रहा है। पापा ने क्लू दे दिया हमें कि पीडीवी की वीडियो क्या आने वाली है ना। रुकना पड़ेगा। भाई साहब आज इतना ज्यादा हेक्टिक डे था ना, और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ढीली है, और वीडियो वगैरह बना के भी जस्ट फ्री हुए थे, और इधर से आ गए ऐश्वर्या मैडम का फोन कि शॉपिंग करनी है तो मॉल आ जाओ। चलो भाई क्या कर सकते हैं, करनी तो पड़ेगी। इतना ज्यादा अत्याचार होता है ना मेरे साथ, इतना ज्यादा अत्याचार होता है। तू खरीद लेना जो तेरे को खरीदना है, मुझे क्यों तंग कर रही है? कंफ्यूज हो रही थी यार। क्या कंफ्यूज हो रही है? मेरे को एक ड्रेस अच्छी लगी। हाँ। मम्मी कहते ठीक है, मेरे को ठीक लगी, पर मैंने कहा कि तो मैं आदित्य को पूछ लूं। हाँ तो मेरे से पूछा था तो मैंने भी बोला मुझे ठीक लगी, तो ले लेती हूँ, तो देख लो ही बोलना था मेरे को, फोन में कैसे पता लगता कैसी है। तभी तो बुलाया मैंने तुम्हें। इतना ट्रैफिक हो रहा है, 26 जनवरी का दिन है, लोग सारे मॉल ही आए हुए हैं। तो चलो अच्छा है, मैं भी एक दो कपड़े खरीद लूंगा, तू दिलाएगी फिर? डिस्काउंट वो सेल लगी हुई है। हाँ सेल भी लगी है तो वो अच्छी बात है। यहाँ लड़कियों का सामान मिलता है, लड़कों का मिलता है मुझे नहीं पता, पर मेरे टैडी के लिए यहाँ बहुत सामान है। टैडी के लिए? मैंने टैडी के लिए लैपटॉप बैग लेना है। टैडी के लिए? हाँ। टैडी? और ये टैडी मेरा कुत्ता, टैडी टैडी की चप्पलें भी मिल गई है मुझे, और शादी में उसकी एक फर वाली शेरवानी लेनी रह गई है, बाकी उसका सारा सामान यहाँ पे पड़ा है। पर्स है यहाँ पे टैडी के लिए, लैपटॉप बैग है, सब कुछ है। ये सूट करेगी ना, उसका खुद का लाइट ब्राउन कलर है ना, तो ब्लैक चप्पल अच्छी लगेगी उसकी। हाँ ये व्हाइट भी ले सकते। लड़कियों के फर वाले कपड़े इतने हैं ना, जूते भी फर वाले, जैकेट भी फर वाली, पर्स भी फर वाले, लैपटॉप बैग भी फर वाले, भरा पड़ा भाई का मामला। भाई साहब जो मेन कारण है ना कि मैं मॉल नहीं आता, स्पेशली जब मुझे शॉपिंग ना करनी हो, वो है ये। मैंने भी शॉपिंग करी। हाँ क्या कर रही है? मेरे साथ आता है ना तो मैं अच्छी चीजें दिलवाती हूँ इसे, तभी ये कुछ नहीं है। अच्छी चीजें दिलवाती वाली बात ही नहीं है, अच्छी चीजें कभी भी मिल जाती है, बट खर्चा हो जाता है। ओ एस्केलेटर क्यों नहीं चल रहे हैं आज? खर्चा करा दिया इस लड़की ने मेरा। देखो पहले तो मैडम ने कराई मेरी जेब हल्की, अब मैडम करवा रही है मेरा वजन भारी। ऑर्डर भी क्या किया, मेरे फेवरेट फ्रेंच फ्राइज। ओए देख के मन कर रहा है सारे खा जाओ। देखो खाओ मत। मैडम को भूख लग रही थी तो इसको खाने देते हैं, फिर घर जाते हैं। वेन हेल्दी फूड खाता है? एग्स। चलो चीयर्स कर दो। चीयर। ओ देखो कुकी कुकी बेटा डॉगी का खा रहे हैं वो। क्या कर रहे हो नानी के साथ? कितना खुश हो रहा है कुकी देख के। बेटा ये डॉगी का खाना है। मम्मा ना हर रात को सी डॉग्स को ये खाना डालता है, और जेन हर दिन मम्मा के साथ ऐसे स्नीक करता है बाहर, ये सोच के कि मुझे भी मिल जाएगा। बड़ी खुशी हो रही है डॉगी का खाना खा के। अच्छा साथ में जाता है? ओ माय गॉड जेन मम्मी उठा के तो नहीं खाएगा? डॉग्स के लिए जेन। जेन तो नहीं पता तुम्हें क्या करके आएगी। अबे मम्मा जैसे डॉगी को खाना डालते हैं तो मतलब जैसे बीच में कभी कभी कुकी डाल देते हैं, तो इसको पता चल गया कि कुकी जा रही है, तो पीछे पीछे गया और उन्होंने लगा कि कुकी भी मुझे दो, और लिटरली डॉग्स को डाल के उनको खिला के दूध रोटी सब खिला के फिर आया ये। सो गाइस फाइनली टाइम आ चुका है सोने का, अब हम आपको मिलेंगे कल अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शबा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। बाय गाइस।